रिवीजन भी कर ही लिए होगे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, यानी यहाँ साइन तो प्लस माइनस और ये माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। पहले कल हम लोगों ने देखा ये साइन प्लस था, आज देख रहे हैं ये साइन माइनस है और ये या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ठीक है। यानी अगेन दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, और एक क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस है, समझ में आ रहा होगा कि ये माइनस क्या शो कर रहा है, कि दो टर्म तो लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी आ जाए और माइनस करने पे बी आ जाए। ये क्या बोल रहा है, माइनस करने पर यानी सब्सट्रैक्ट करने पे, यानी जो दो फैक्टर होगा उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बी होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, सी, प्रोडक्ट सी और डिफरेंस बी, क्लियर। ऐसे ही यहाँ भी सी का साइन क्या है, माइनस, और सी का साइन माइनस है, इट मीन्स जो दो फैक्टर लेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी और सब्सट्रैक्ट करने पे, घटाने पे क्या आएगा, बी, क्लियर। तो एसी को फैक्टराइज करेंगे या ऐसे लिखे डायरेक्ट, दो फैक्टर या दो टर्म्स मल्टीप्लाई करने पे एसी आए, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे बी आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे एसी और सब्सट्रैक्ट करने पे बी, क्लियर। अब हम लोगों को क्या देखना है कि यदि बी का साइन प्लस है, और पहली बात देखो, ये माइनस क्या बतला रहा है, ये माइनस ये बतला रहा है कि एक का साइन प्लस होगा और एक का साइन माइनस होगा। माइनस तभी ना होगा जब मल्टीप्लाई करने पे माइनस, क्योंकि प्लस इंटू प्लस करते तो भी प्लस होता, माइनस इंटू माइनस करते तो भी प्लस होगा, क्लियर। तो ये माइनस है, इसका अर्थ है कि एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। तो फिर से देखें, ये माइनस मतलब एक प्लस और एक माइनस, और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, एसी, और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। यहां तक तो क्लियर कि यही माइनस बता रहा है, घटा दो तो बी और गुना करो तो एसी। अब यदि बी का साइन प्लस है तो छोटे वाले का साइन प्लस होगा, किसका साइन प्लस होगा, छोटे, दो फैक्टर है ना, दो फैक्टर जो लिया, एक फैक्टर बड़ा होगा और एक फैक्टर छोटा होगा, तो बड़े वाले फैक्टर का साइन, देखो ये प्लस है तो छोटे फैक्टर का साइन और बड़े फैक्टर का साइन अपोजिट होगा, बड़े का साइन
क्या होगा? अपोजिट होगा। देखो तो इन दोनों केसेस में चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, हम लोग को क्या देखना है कि दो टर्म लो, मल्टीप्लाई करने पे ए सी और माइनस है तो घटाने पे बी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये अगर माइनस था तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब ये साइन अगर प्लस है तो छोटा वाला प्लस होगा और बड़ा वाला उल्टा यानी माइनस होगा। और देखो यहाँ पे फिर वही बात है, ये माइनस है मतलब छोटे का साइन माइनस बड़े का साइन, यानी इसका जाति वाला कौन है? छोटा। अब बड़ा वाला तो अपोजिट है, बड़ा वाला तो अपोजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अगले दो का कॉन्सेप्ट है। ये चार टाइप का, कल मैंने बताया था कि चार टाइप का क्वाड्रेटिक का जो बेस है वो आएगा। पहला दो टाइप जब सी का साइन प्लस होगा, अगला दो जब सी का साइन माइनस होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, फोटो ले लो या वीडियो तो देख ही लेते हो, फिर डाल देंगे। और जिनको स्कैन करके लेना होगा तो स्कैन भी कर सकते हो। तो देखें, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 14 है इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 14। हमारा नजर पहले कहाँ जाएगा? इस माइनस 14 पे। माइनस 14 जैसे ही देखेंगे तो दो तीन बातें सामने आएगी। पहला कि दो संख्या मल्टीप्लाई करने पे 14 और माइनस करने पे 5। पहले राउंड में क्या आया? मल्टीप्लाई करने पे 14 और माइनस करने पे 5। ये माइनस ही बतलाता है कि माइनस करने पे, ये माइनस क्या बतला रहा है? माइनस करने पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो एक तो 7 और दूसरा 2। 7 × 14 और 7 से 2 घटाएंगे तो 5। अब इसके बाद सोचना है कि इसका साइन प्लस तो छोटा वाला प्लस बड़ा वाला माइनस हो गया, कुछ नहीं करना। देखो कितना आसानी से एकदम देखने के साथ हम लोग जवाब दे सकते हैं। फिर से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। क्या होगा? एक 6 और दूसरा, क्योंकि 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत? 6 × 3 = 18 और 6 से 3 घटाए तो 3। अब देखेंगे इसका साइन क्या है? प्लस, यानी इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस। बताओ जो उनका पहला भी क्लास है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है कि क्वाड्रेटिक से इजी तो कुछ है ही नहीं। ये बैंक वाले ना पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से डाल देते हैं। इस चैप्टर के लिए हम लोगों को बहुत कम पढ़ना पड़ता है। या बैंक पीओ बनना है तो सबसे आसान है, बैंक क्लर्क बनना है सबसे आसान है। रिटेल मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब बाकी तुम्हारा इंग्लिश नहीं अच्छा, रीजनिंग नहीं अच्छा तो हम क्या करें? मैं अपने सब्जेक्ट में टॉपर बना सकता हूँ। चाय मिला है, पीना है तो देख, मैं पूछ जरूर लेता हूँ, है ना? कोई चाय पूछ ले, कम बड़ी बात नहीं है। तब तुम लोग तो पूछता भी नहीं है कि सर चाय पीजिएगा, कहीं पूछता है? अब तो मेरे घर में मेरे पास में हो तब तो हम पूछ रहे हैं। इस क्लास से बाहर निकले तुम्हारा घर। तो क्वाड्रेटिक बहुत इजी है। फिर से एक अगर इक्वेशन लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा सा 2 मिनट दे रहे हैं,
सोचो, क्वेश्चन दिए नहीं कि देखते के साथ आपने आंसर बता दिया। अच्छा, कल के वीडियो में क्या नजर आएगा? आप लाख चिल्ला रहे हो, आपका कोई भी आवाज नहीं है, हा? आप लोगों का आवाज नहीं है, थोड़ा भी आपका आवाज नहीं है, इवन जो यहाँ पे भी बोल रहा है वो भी आवाज नहीं है। तो यहाँ आने की कोशिश करो, टेस्ट हर वीक में किसी न किसी बहाने होगा, टॉपर बनो, यहाँ आ जाओ। जो पढ़ाए रहेंगे उतना के बीच से ऐसा वो तो सरप्राइज होगा। और एक जो मैंने बोला सेट बैच, वो अगले वीक में अनाउंस हो जाएगा कि किस डेट से होगा, समझ गए? एक सबको मेन है जो तालमेल भी देखना है, कौन के कौन सा सब्जेक्ट कर रहा है, किन्हीं का उस समय इंग्लिश है, किसी का उस समय जीके है, किसी का रीजनिंग है, तो सब देखने के साथ हमको वो प्लान। दूसरा ये भी देखना चाह रहे हैं कि कोई 3 घंटा 4 घंटा बैठ के वेट नहीं करे टेस्ट के लिए, टेस्ट शुरू होगा तो कंपलसरी है, सबको देना ही है, लेकिन 3 घंटा बैठ करके हम टेस्ट दें तो वो भी गड़बड़ है। तो ये सारा चीज़ हम देख कर, तब इसी कारण से डिले हो रहा है, बैच अनाउंस नहीं हो पा रहा है उसका। तो खैर, अभी कितना अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग देखने के साथ बनाओ। पहले का आंसर मतलब इसका 6 और 4, 6 का साइन कि प्लस, ये अगर प्लस तो बड़ा वाला और छोटा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। आज लगता है तू पढ़ के आया है, नहीं आज सोच लिया था कि बोर्ड पे हम ही आएंगे, हाँ? छ और पांच, 6 का साइन 5 का साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 7 और 5 प्लस 7 और, तो मंडे से तो रीजनिंग वाले का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से झा सर शादी में से आ ही जाएंगे, इतना दिन कोई, अच्छा मेरी शादी हुई थी तो हम 5 ही दिन छुट्टी लिए थे, नहीं 5 दिन, 2 दिन में शादी कैसे हो जाएगा, ये झूठ वाली बात नहीं, 2 दिन में शादी कैसे कर लेंगे, 1 दिन इंगेजमेंट था अगला जन्म में, हाँ हाँ, तो पिछला जन्म में तो तुम्हारा भी हुआ था, हम गए थे बारात में, याद है ना, तुम्हारे यहाँ जो बारात गया था ना, तो हम उसमें थे, इस बार बुलाएगी ना, उदशा वो देखी थी, हम डांट रहे थे, तो आप क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और क्वेश्चन देने के साथ आपका आंसर रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 39 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 34 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 65 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 51 इक्वल टू 0। ये सारे क्वेश्चंस
देखने के साथ आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। खुश मत हो, क्वेश्चन नहीं रहा तो बड़ा वाला डंडा लाएंगे और उससे पिटाओगे, ठीक ना। क्वेश्चन भी नोट कर लिया, गजब, तुम लोग तो मेरे से ज़्यादा तेज हो गया। हम चाह रहे हैं कि हम हटे यहाँ से और जगह तुम लोग को दे दें। नहीं, कुर्सी पर एक ही आदमी सब दिन बैठा रहेगा, अच्छा लगता है? जल्दी कीजिए, मात्र 2 मिनट सभी को मिला है। सोच लो, क्वेश्चन लिखने के साथ किसी का आंसर भी रेडी हो चुका था। कितने लोग का हो गया? सब लोग हाथ उठाते जाओ। इतने लोग का हो गया, वेरी गुड। रेस लगाने में मजा आता है। कल तो कुछ लोगों एकदम छटपटाहट सी हो गई थी, हम पीछे हो गए, हमारा हो गया था, हमें एक मार्क्स से गड़बड़ हो गया, एकाएक माइंड में वो ऐसा क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं किया। सर हम कॉमा लगाए थे, आप माइनस समझ लिए, मतलब मींस बहुत डिफरेंट टाइप का आप लोगों का आर्ग्यूमेंट मेरे पास आने लगा। चलिए, हो चुका है, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे और हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्या है? -24 यानी दो नंबर। और देखो, अभी तक हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं लिया, वो क्वेश्चन ही नहीं बताया अभी कि आपको कंफ्यूजन हो। अभी हम लाए नहीं है, ए इंटू सी जरूर पढ़े हैं, लेकिन केवल अब वो अगले क्लास से हम लोग वो वाला भी देखेंगे, और तब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि अगर आप 5 सेकंड में 10 क्वेश्चन बना दिया तब तो ऐसा। 2 ही क्वेश्चन रहेगा और एक एक्स वेरिएबल लेके रहेगा, एक वाई के साथ रहेगा, आपको कहेगा दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। तो ये हम लोग कब पढ़ेंगे? मंडे से, ठीक है। तो आज तो बेस हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी तरह का बेस हो, हमसे सॉल्व हो जाए। और ये बहुत बड़ा बड़ा टेक्निक है इसमें, मतलब दो रहेगा भी तो हम लोग अलग से बैठे स्माइल देते रहेंगे, इसका ये आंसर होगा। लोग बनाए जा रहे हैं, हम लोग बनाएंगे भी नहीं। कुछ लोग इतना फास्ट बना रहे हैं ना, हम लोग वो टेक्निक भी सीखेंगे कि बनाएंगे भी नहीं और स्माइल दे देंगे, सर डन। तो बताओ क्या होगा जी? 6 और 4, पहला काम 6 और 4 घटाने पे 2, गुना करने पे 24। ये साइन क्या है? प्लस मतलब छोटा, प्लस बड़ा माइनस। अब बताओ ये 7 और 28 है, -28 7 होगा और 1 4 होगा, तो 7 4, ठीक है। अगेन ये प्लस है तो छोटा प्लस, ये प्लस है मतलब छोटा प्लस, छोटा ना माँ का दुलारा होता है या बाप का दुलारा, तो छोटा को वैल्यू एकदम। हाँ जी, देखो क्या यहाँ प्लस है, तो ले, तू भी प्लस ले लो। अब बड़े वाले का माइनस, चलो यहाँ जाओ, 13 और 3। बताओ ये माइनस था, 13 में से 3 घटाया, 10 आ गया। यहीं पे सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारा क्वेश्चन तो सही जा रहा है। इसके बाद लोगों का गलत कहाँ होता है? साइन को लेकर। हम लोग साइन में भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि छुटका कितना है? छुटका प्लस है तो बड़का। बताओ यहाँ पे 17 और ये क्या और ये क्या? ये प्लस क्यों? क्योंकि ये था, इसको देखेंगे कि 15 वाले को देखेंगे, 15 वाले का साइन माइनस, तो छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस। चलो यहाँ आ जाओ, 13 और 5, ये साइन माइनस है मतलब घटाने पे 8 आ रहा है कि नहीं,
केवल ये चेक करना है। तो हाँ सर, 13 से 5 घटाया तो 8 आ गया, ये लेकिन प्लस है, तो ये वाला प्लस और ये वाला, तो यानी अब तो ये नींद में भी रहोगे, जान गए ये माइनस है ना, तो एक प्लस होगा और एक, और ये अगर प्लस रहता तो या तो दोनों प्लस या दोनों, तो वो डिपेंड किस पे करता, बी पे। यहां भी साइन बी पे नहीं डिपेंड कर रहा, ये माइनस है, केवल ये बताया कि भाई एक प्लस होगा और एक, अब तो तुम दोनों दुश्मन हो गया, लड़ेगा ही, कटेगा ही, घटेगा ही, सपोर्टर रहता है तब ना बढ़ेगा। तो माइनस माइनस भी है तो भी बढ़ गया, प्लस प्लस है तो भी ऐड होता था, आ एक प्लस और एक माइनस, एक कह रहा इधर एक कह रहा है इधर, घटेगा ही। नींद में भी बनाओगे तो माइनस ही करना। तो बताओ अब 48 है, 12 और 4, ये 12 और दूसरा 4, इसका साइन, इसका साइन, बोलो यहाँ 17 और 3, इसका साइन, इसका साइन, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब दोनों दिन का मिला के क्वेश्चन देने जा रहे हैं, चारों मिक्स करेंगे, चारों मिक्स करके देंगे और गलत नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस या माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 52 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 51 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 78 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले इतना ही,
यहाँ पे चारों मिक्स कर दिया गया है। तो 6 2 8 और 6 दुना, यहाँ पे सब अब बोर्ड पे देखिए, जवाब दीजिए। ये प्लस यही बतला रहा है कि जोड़ने पे 8 और गुना करने पे 12, तो एक होगा 6 और दूसरा होगा 2। 6 और 2 8 और 6 दुना वो प्लस, तो दोनों जितने लोग का सब सही हो हाथ उठाते चलोगे। अगला है 18। दो संख्या जोड़ने पे 7 और गुना करने पे 18। अच्छा, घटाने पे 7, घटाने पर क्यों? अच्छा, ये माइनस वाला है तो क्या होगा? 9 और 9 का साइन, 2 का साइन, 13। और देखो दिक्कत किनको हो रहा है, जिनको पहारा नहीं याद है। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, अगर आपको पहारा याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। 13 और 4 ये माइनस है, मतलब छोटा माइनस बड़ा प्लस। क्लियर? 51 है, एक 17 और दूसरा 3। ये प्लस मतलब छोटा प्लस बड़ा। अच्छा, तुम लोग कुछ भी बोलते दे रहते हो नहीं? 96, बोलो जल्दी। 12 और 8, 12 का साइन, 8 का साइन, बोलो ये 13 और 13 का साइन, माइनस इसका भी। क्यों माइनस? यहां जाइए, 16 और 3, 16 का साइन, 13 3 का साइन। क्लियर? इसके बाद भी जिनको क्लियर नहीं हो तो वीडियोस भी अब मैंने डालना शुरू कर दिया है, जिनका स्पीड कम हो या बहुत नहीं हो पा रहा है तो क्लास के बाद वीडियोस को भी लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, उधर घूम के देख रही है, उसको देख रही थी। हाँ, यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमारी ओर देखना चाहिए भी। खराब दिख रहे हैं क्या? बाल उल सब झाड़ के आए हैं तो उसको क्या देख रही है? तो आगे देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 48 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 68 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 85 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 91 इक्वल टू 0। अब मैं बात नहीं कर रहा कि कौन पहला टाइप है, कौन दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जो लिख दिया उसके आगे आपको सोचना है। देखो, जिसको कल फर्स्ट अवार्ड मिला वो बार बार प्रूव भी कर रहा है कि सचमुच ही उस वो जो था उसके लायक था, इसलिए बार बार आज भी किसी को टपने नहीं दे रहा है। आप क्या पढ़ के आए हो, एक ही चीज है, आपको पहारा अच्छे से याद
नहीं है। आपको सोचना पड़ता है 12 के पहरा में आएगा कि 17 के पहरा में आएगा, बस वहीं आप पीछे हो गए। जितना टाइम में आप ये सोचे उतने टाइम में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा। कल और परसों गर्मी की छुट्टी। अच्छा, सैटरडे संडे छुट्टी ही रहता है। सैटरडे संडे क्लास नहीं होता है इसलिए छुट्टी। अरे मिला के क्यों बना रही है, पहले बेंच पे बैठ के गप शुरू। हो गया टाइम समाप्त, टाइम समाप्त। सोचो आप जो हाथ उठाते हो ना कि पहरा याद है, आपको पहरा नहीं याद है, दो ही चीज तो देखना है, दोनों को जोड़ने पे आ रहा है या घटाने पे आ रहा है। अभी जो मैंने दिया सब घटाने पे आ रहा है, तो देखो कि घटाने पे उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस पहरा में आ रहा है। 39 जा, सब जवाब दो। 39 जा, 13 6 जा, 12 8 जा, 12 7 जा, 14 4 जा, 14 9 जा, 18 8 जा, 18 8, 18 6, 18 9। जितना टाइम में ऐसे देख रहा है ना, ऊपर ऐसे देखा, उतने ही देर में पीछे हो गया। यहां देखो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पता है यूपीएससी में ना सीसैट पहले नहीं था, ये लोग इतना डल हो गया था, एकदम ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, सब्जेक्टिव एकदम लिखने का आदत। जीके है तो आता है तो टिक लगाओ, नहीं आता तो मत लगाओ। बीपीएससी में देखते हो ना, तो इन लोगों ने क्या किया, मैथ्स का क्वेश्चन भी डाल दिया। और यूपीएससी में 2011 से सीसैट का एग्जाम शुरू हो गया। सीसैट मतलब जो हम लोग का मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, यह वाला 1% माना जाता था। हम लोग कहलाते हैं एसएससी वाले वन डे वाले प्लेयर, समझ गए, और यूपीएससी बीपीएससी टेस्ट प्लेयर, समझ रहे ना। वो लोग क्या थे, टेस्ट प्लेयर। देखा कि जो आदमी प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला है, पूरे देश को चलाने वाला, इन लोग का हालत इतना खराब, ये लोग को ऑलराउंडर होना चाहिए, जरूरत पड़े पे पढ़ने पे टेस्ट भी खेल रहे हैं और नहीं तो वनडे भी खेल रहे हैं। अब तो 2020 का भी जमाना आ गया है, इसलिए देख रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन घटते जा रहा है। पहले 50 50 50 50, 200 क्वेश्चन हम लोग बनाते थे, आप लोगों को क्या आया 100 क्वेश्चन, 25 25 25 25, समझ में आ रहा है, यही 2020 हो गया। तो उन लोगों को फास्ट, अब तुम लोगों को क्या किया, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाइए। जीके रहता तो ठीक है, याद है तो टिक लगा दिया, नहीं याद है आगे बढ़ गया। मैथ्स बनाना पड़ेगा, रीजनिंग बनाना पड़ेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना होगा यहाँ पे फिलर्स में ये वर्ड होगा कि ये वर्ड होगा, वोकैब भी हमारा सही होना चाहिए। तो वन डे तुम लोग खेला, अब तो तुम लोग 2020 खेल रहा है, 2020 वालों को समझ में आ रहा है ना कि अगर वो 1 घंटा में 100 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप 50 मिनट में घर पे 100 क्वेश्चन का ट्राई करो। मैंने टेस्ट इसलिए भी बोला कि टेस्ट के बहाने क्या होता है ना, हम हमेशा स्पीड में आने लगते हैं। देखते हो जो फिजिकल के लिए लोग गांधी मैदान चक्कर लगा रहा है, दौड़ना शुरू, क्यों, क्योंकि पहले से हम तैयार हैं। अब एकाएक तुम्हारा आ गया कल दौड़ है, जाओगे तो नहीं होगा, यही हाल कर रहा, पढ़ रहे हैं सारा चैप्टर आ गया और कल एग्जाम है तो जाके ये कि नहीं, एकदम सेट में रहो, साथ साथ सामने वाला ये दिखाए कि कैसे बन रहा है। तो नेक्स्ट वीक से उसका भी डेट अनाउंस हो जाएगा, बाकी टीचर लोग आ जाए उसके बाद। चलो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, बोलिए पहला क्वेश्चन, एक्स
सेवन एक्स माइनस 18 बराबर जीरो है ना। नाइन और टू ले, पहले नौ दुना और नौ में से दो घटाएंगे तो सात, तो ये प्लस है मतलब छोटा प्लस होगा बड़ा माइनस होगा। पहले ही माइंड में अरे ये तो कुछ है ही नहीं, हम सोचे ही नहीं ऐसा। माइनस बयालीस माइंड में आ गया, घटाना है, माइनस मतलब घटाना है। चौदह और तीन, चौदह से तीन घटेगा ग्यारह और चौदह तिया बयालीस, तो एक फोर्टीन और एक थ्री, और ये छोटे वाले का बड़े का साइन प्लस। कहाँ नींद में भी बनाओ गलत कैसे हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आता है, इतना कॉन्फिडेंस कोई और सब्जेक्ट में। सोलह और सोलह से तीन घटेगा तो एक सिक्सटीन और दूसरा थ्री, सिक्सटीन का साइन माइनस और इसका साइन, कोई प्रॉब्लम। अगला क्या है, एक्स थर्टीन एक्स माइनस सिक्सटी एट, बोलो जल्दी। सत्रह और चार, सत्रह का साइन इसका साइन, कोई प्रॉब्लम। अब बताइए यहाँ चौंसठ है बारह है, सोलह में से चार घटाएंगे बारह और सोलह चौका चौंसठ, तो सिक्सटीन और फोर, सिक्सटीन और फोर, और देखो ये प्लस मतलब छोटा प्लस बड़ा माइनस। अब बताओ ये बारह एक्स है ना, और एटी फाइव है, सत्रह और पांच, यहीं पे लिख देते हैं सत्रह और पांच। अब देखो सत्रह से पांच घटेगा तो बारह और सत्रह बचे पचासी, ये माइनस छोटे वाले का बड़े का साइन, ये माइनस ही बतला रहा है कि भाई एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और इसके लिए तुम बी के पास जाओ, अगर जो बी का है वो छोटे वाले का है और बड़े वाले का उल्टा है। तेरह और तेरह का साइन, सात का साइन,